चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WWE के हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ और दोस्तों हमारे हसन रॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सेना की फुल कंपैरिजन लगाते हैं। वीडियो के अंत में हमको पता ही चल जाएगा इसमें कौन जीता है। चलिए दोस्तों, इनके रियल नेम के बारे में पहले बोल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे रोमर्स का पूरा नाम है लिटिजेसे बेनवाई और दोस्तों हमारे जॉन सेना का पूरा नाम है जॉन फिलिक्स एंथनी सीना। अब बात होगी बॉडी मेजरमेंट्स की, तो दोस्तों हमारे रोमर्स की चेस्ट है 52 इंच, वेस्ट है 36 इंच, बाइसेप है 20 इंच, वेट है 120 किलो, हाइट है 6 फुट 3 इंच। अब दोस्तों बात होगी जॉन सेना के बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में, तो दोस्तों हमारे जॉन सेना की चेस्ट है 50 इंच, वेस्ट है 36 इंच, बाइसेप है 19 इंच, हाइट है 6 फुट 5 इंच, वेट है जॉन सेना को 114 किलो। अब बात करेंगे दोस्तों इन दोनों के WWE के डेब्यू के बारे में, तो दोस्तों हमारे जॉन सेना को 2002 का डेब्यू है, रोमर्स का प्रोफेशनल रेसलिंग का डेब्यू है, यानी दोस्तों WWE का डेब्यू है 2012 का। और दोस्तों हमारे रोमर्स ने FCW यानी फ्लोरिडा चैंपियन रेसलिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है रेसलिंग की। और दोस्तों FCW में हमारे रोमर्स का पूरा नाम था लिखी। अब दोस्तों बात कर लेंगे जॉन सेना के रेसलिंग के सेंटर के बारे में, तो दोस्तों हमारे जॉन सेना ने OVW में प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली है, यानी दोस्तों ओवी वैली रेसलिंग से उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली है। और दोस्तों ओवी वैली रेसलिंग में हमारे जॉन सेना का पूरा नाम था प्रोटोटाइप। तो दोस्तों इसके बाद राउंड होने वाला है टाइटल विनिंग के बारे में, तो दोस्तों हमारे जॉन सेना ने अभी तक WWE में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, 5 बार US चैंपियनशिप जीती है, 2 बार दोस्तों वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती है, 1 बार दोस्तों बटिस्टा के साथ और दोस्तों 1 बार शॉन माइकल के साथ। और दोस्तों जॉन सेना ने अपने करियर में 2012 की मनी इन द बैंक भी जीती है और जॉन सेना ने 2008 का और 2013 का रॉयल रंबल भी जीता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रोमर्स के टाइटल विनिंग के बारे में, तो दोस्तों रोमर्स ने 2012 में सेथ रॉलिंस के साथ टीम अप करके अपनी पहली WWE की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद दोस्तों रोमर्स ने 2015 का रॉयल रंबल भी जीता है। रोमर्स ने अपने करियर में दोस्तों 3 टाइम WWE चैंपियनशिप जीती है, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है, 1 बार UA चैंपियनशिप जीती है और 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। और दोस्तों हमारे जॉन सेना और रोमर्स अपने करियर में 2 बार चैंपियन भी रह चुके हैं एक टाइम पर। और दोस्तों जॉन सेना ने 2014 के मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप जीती थी। और दोस्तों रोमर्स ने रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर जैसे जानवर को हराकर दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप जीती थी। अब दोस्तों बात होगी पैसे की, किसके पास ज्यादा पैसा है, तो दोस्तों हमारे जॉन सेना की कुल मिला के नेटवर्क के $60 मिलियन जो कि दोस्तों इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने जाए तो दोस्तों होते हैं 400 करोड़। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्राइबल चीफ के बारे में, तो दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ की कुल मिला के नेटवर्क है $18 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 442 करोड़ से भी ज्यादा। और दोस्तों हमारे जॉन सेना 2022 में 43 इयर्स के हो चुके हैं और दोस्तों हमारे रोमर्स 2022 में 36 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी जॉन सेना की और रोमर्स की फुल कंपैरिजन, तो दोस्तों आप ही तय करो इसमें कौन जीता और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप अगली कंपैरिजन किसके ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां पर मैं होता अलविदा, मिलते कल विदा।